ओए गाइस गुड मॉर्निंग दोस्तों, यूट्यूब की तरफ से आज सुबह सुबह चार नई अपडेट आ चुकी है। पर दोस्तों उनमें से जो तीन अपडेट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे कहूँ कि दोस्तों यूट्यूब ने हमें खुद बताया कि आप लोग कौन से टॉपिक पे वीडियोस बनाओगे जिससे आपकी वीडियोस चलेंगी और आपकी ऑडियंस कौन से टॉपिक पे आपके चैनल पे वीडियो देखना चाह रही है, तो शायद आप लोग मेरी बात पे विश्वास ना करो। पर मैं आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ दिखाने वाली हूँ कि यूट्यूब ने हमारे लिए खुद बताया है कि आखिर आप लोग अपने चैनल को किस तरीके से ग्रो कर सकते हो और किस तरीके से आपको अपने चैनल पे कौन से टॉपिक पे कंटेंट बनाना है जिससे आप लोगों की ऑडियंस है वो आपके टॉपिक को देखे और आपका चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो हो पाए। तो गाइस यूट्यूब की तरफ से तीन नई अपडेट आई है। तो सबसे पहले अपडेट की बात करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कल की वीडियो के बैनर जान लीजिए। ये भाई है बैनर, इनके चैनल का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, जाके इनके चैनल पे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराइए, अगले बैनर आप भी हो सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी कुछ टाइम पहले YouTube पे एक अपडेट आई थी कि आपका जो मतलब क्रोम ब्राउजर पे जब आप मतलब डेस्कटॉप साइट पे अपने YouTube चैनल को ओपन करते हो तो वहां पे भाई आपको एक ऑप्शन दिया गया था रिसर्च टूल का, जहाँ पे दोस्तों आप लोग रिसर्च कर सकते हो जिस टॉपिक पे अगर आप वीडियो बनाना चाह रहे हो तो आप लोग जब वहाँ पे वो टॉपिक यूट्यूब पे लिख के सर्च करोगे तो वहाँ पे आपके नीचे आ जाता है लिख के कि इसका जो सर्चेबल मतलब लेवल है वो हाई है, मीडियम है या लो है। तो गाइज वहाँ पे मैं आपको बता दूँ तो वो आपका आया था डेस्कटॉप साइट के लिए, पर दोस्तों अब वो अपडेट आपके वाईटी स्टूडियो ऐप पर भी लागू हो जाएगी। आप लोग डायरेक्ट अपने वाईटी स्टूडियो ऐप से रिसर्च कर सकते हो कि आखिर हमारे चैनल पे कौन सा टॉपिक है या कौन सा टॉपिक ऐसा है YouTube पे जो अभी सर्च में बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसकी जो सर्च वॉल्यूम है वो सबसे ज़्यादा है। तो भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हमें अब डेस्कटॉप साइट पे नहीं जाना है, हमें डायरेक्ट वाईटी स्टूडियो पे ये फीचर देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं सेकेंड अपडेट की, जो कि बहुत ही अच्छी अपडेट है। इसके लिए दोस्तों मैं बताऊँ तो मेरी तरफ से तो ये बहुत ही ज़्यादा खास अपडेट है और सभी यूट्यूबर्स के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी कि आप लोग आखिर अपने चैनल पर कौन से टॉपिक पर वीडियोज बना सकते हो। तब भाई देखो यहाँ पे जो सेकंड अपडेट है वो ये है कि अगर आप लोग अपने चैनल पे जो कंटेंट डालते हो और उनमें से कुछ ऐसी वीडियोस होती है जो आपकी ऑडियंस सबसे ज़्यादा देखना पसंद करती है, जैसे कि मान लीजिए आपका चैनल रिलेटेड है व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर्स से, तो आपको पता होगा कि हमारे चैनल पे जितनी ज़्यादा ऑडियंस है वो है व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स की वीडियोज़ देखती है। पर दोस्तों अगर हमारा चैनल है, अगर मेरा चैनल मान लीजिए, तो मेरे चैनल पे मुझे नहीं पता है कि आखिर मेरी वीडियोज़ कौन से टॉपिक पे सबसे ज़्यादा देखी जाती है। मैं हर टॉपिक अपने चैनल पे ट्राई करती हूँ पर मुझे ये नहीं पता है कि मेरी ऑडियंस किस टॉपिक पे वीडियोस ज़्यादा देखना चाहती है। तो भाई अगर मुझे ये चीज़ पता चल जाए कि आखिर मेरी ऑडियंस क्या देखना चाह रही है तो मैं उसी टॉपिक पे वीडियोस बनाने लगूंगी जिससे मेरा चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो हो पाएगा। तो गाइज यहाँ पे YouTube ने एक नया फीचर लॉन्च किया है आपके वाईटी स्टूडियो पे जिसका नाम है गैप वाला, ठीक है, गैप टूल, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या होगा मतलब गैप कंटेंट का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। वहां पर दोस्तों आपको कुछ ऐसे कंटेंट शो होंगे जो आपने अपने चैनल पे काफी टाइम से अपलोड नहीं किए हैं और आपकी ऑडियंस को डिमांड है, ठीक है, उन कंटेंट्स की डिमांड है। आपके साथ मतलब जो सारे कंटेंट होंगे वो शो हो जाएंगे कि आखिर आपकी ऑडियंस कौन से कंटेंट को देखना पसंद कर रही है और वो कंटेंट आपके वाईटी स्टूडियो पे शो होंगे कि आपके चैनल पे ये कंटेंट है, इनमें आपने काफ़ी गैप कर दिया है कि आप लोग फिर से इन टॉपिक पे वीडियोस बनाओ ताकि आपकी ऑडियंस फिर से आपके चैनल पे वापस आ पाए। तो भाई ये मुझे सबसे ज़बरदस्त अपडेट लगी। आप लोगों को ये अपडेट कैसी लगी? तो मैं तो भाई बहुत ज़्यादा खुश हूँ ये अपडेट जल्दी से हमारे वाईटी स्टूडियो पे आ जाए ताकि हम लोग भी पता कर पाए कि आखिर हमारे चैनल पे कौन से टॉपिक पे हमारी ऑडियंस वीडियो देखना चाह रही है। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरी अपडेट की, आखिर तीसरी अपडेट हमारे YouTube चैनल पे कौन सी आई है। फ्रेंड थर्ड अपडेट के अंदर आप लोगों को क्या पता लगेगा, यहाँ पे जो आपका मतलब रिसर्च टूल दिया गया है जो आपके वाईटी स्टूडियो के अंदर दिया जाएगा उसके नीचे आपकी दोस्तों सारी कैटेगरी शो होने लगेंगी, जितनी भी कैटेगरी की आप लोग यूट्यूब पे चैनल बना सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को अपना चैनल किस कैटेगरी में रखना है या आपका चैनल कौन सी कैटेगरी का है। तो जब आप दोस्तों रिसर्च वाले टूल पे एक्सप्लोर टॉपिक पे क्लिक करोगे और वहां पे अपना टॉपिक सर्च करोगे और अपनी कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हो कि हमारा चैनल इस कैटेगरी का है, तो आपका केवल उसी टॉपिक मतलब उसी से रिलेटेड आपके टॉपिक सारे आ जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी अपडेट है क्योंकि हम लोग पहले क्या करते थे, जो हमारा डेस्कटॉप साइट पे रिसर्च का ऑप्शन दिया गया था वहां पे कैटेगरी वगैरह शो नहीं होती थी, पर दोस्तों यहां पे सारी कैटेगरी भी शो होंगी कि आखिर आपका चैनल जिस कैटेगरी का है आप उस कैटेगरी के मतलब एक्सप्लोर कर सकते हो बहुत सारे टॉपिक जो आपके कैटेगरी के हिसाब के हैं। मतलब अगर आपको पता लग जाए कि हमारी कैटेगरी में ही हमारे कौन से टॉपिक सर्च हो रहे हैं, कौन से टॉपिक का जो सर्च वॉल्यूम है वो सबसे ज्यादा है, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तो भाई ये
तीनों अपडेट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लगी। इनमें से दो अपडेट तो मुझे बहुत ही ज्यादा खास लगी है, जो दो मैंने लास्ट में बताई है। और आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सी अपडेट आई, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा मैंने ये चीज सुन के। हाँ, मैंने सोचा जल्दी से ये अपडेट हमारे YT स्टूडियो पे लागू हो जाए, जिससे हम लोगों को भी पता लग जाए और आप लोगों का भी एक क्वेश्चन यहाँ से खत्म हो जाए कि आखिर हम कौन से टॉपिक पे वीडियोस बनाए। तो भाई आप लोगों का आज के बाद ये क्वेश्चन खत्म होने वाला है। जल्दी से ये अपडेट लॉन्च होने वाली है, अप्रैल तक ये लॉन्च उससे पहले ही पहले हो जाएंगी। और दोस्तों आप लोग वेट कीजिए, जल्दी ये अपडेट हमारे YT स्टूडियो पे देखने के लिए मिलेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके, चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।